ये तो एक तरफा इन्होंने ऐसे मशीनें सेट कर ली, शायद इनसे भी गलती हो गई कि सारा वोट ही एक तरफ चला गया। गुजरात में तो पूरी बेईमानी के साथ चीटिंग हुई है, जो प्रशासन को उन्होंने इस्तेमाल किया, मशीनों को इस्तेमाल किया और वो सारी टेक्निक इस्तेमाल करी हैं, जो टेक्निक जो भारत के लोकतंत्र के विरुद्ध हैं और उस संविधान के विरुद्ध हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे खबरें आ रही हैं ग्रामीण इलाकों से, वहाँ के जो वो थे पोलिंग स्टेशंस, वहाँ पर तीन तीन चार चार घंटे मशीनें खराब कर दी कि मशीनें खराब हो गई हैं, और उसके बाद तीन तीन घंटे शुरू नहीं करी, लोग चले गए जब मतदान से, तो वो मत भी अपने पक्ष में डाल दिए, इस तरह के आरोप लग रहे हैं पूरे उससे। और मुझे भी कल फ़ोन आया था गुजरात से, मुझे भी कल भरूच पहुँचना है, भरूच में एक बड़ी मीटिंग हो रही है आदिवासियों की, SC और ST के लीडरशिप की, जो इसके विरुद्ध जो इन्होंने बेईमानी की है उसके खिलाफ ये वहाँ पर एक मूवमेंट खड़ा होना है, खासतौर पे EVM के और प्रशासन को इस्तेमाल करने के, क्योंकि प्रशासन भी लोगों को वोट नहीं डालने दे रहा है, जो लग रहा है कि विरोधियों का वोट है, तो पुलिस प्रशासन ये मिल करके उस वोट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए ऐसी कोई हवा नहीं थी, मैं भी प्रचार में था, ऐसी कोई हवा नहीं थी वो कहीं पर भी मोदी की, या जिस तरह पिछली बार थी। देखिए पिछली बार जो वहाँ का गुजरात का चुनाव हुआ था, उस समय तो कहीं बैठते थे भी चाय की दुकान पे तो वहाँ मोदी मोदी चिल्लाते थे, और यह इस समय तो ऐसी कोई लहर भी नहीं थी, उस समय उनका 99 सीटें आईं और कांग्रेस के सामने उनकी सांस फूल गई थी। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि कोई दूसरी पार्टी दिखाई नहीं दी, सब हवा में उड़ गए। अभी ऐसा बोलते कि जी कांग्रेस का अगर वोट मान लिया कि आम आदमी पार्टी ने भी अगर काट लिया तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्यों उनका वोट परसेंटेज ही इतना बढ़ गया कि उसमें अगर दोनों को भी जोड़ दें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को, तब भी वो 10% से कम नीचे बैठ रहे हैं उनके उसमें। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं, सब बेईमानी से जीते हैं। दिल्ली के अंदर BJP हारी, हिमाचल में BJP हारी, क्यों हारी भाई? ऐसी हवा चल रही थी तो वहाँ भी जीत सकते थे ना, ये दिल्ली में भी जीत सकते थे ना, दिल्ली में तो भाई ये 15 साल से थे ना, तो 15 साल का विकास क्यों नहीं हुआ दिल्ली में, पैदा दिल्ली में क्यों नहीं चौथी बार बना? यहाँ पर तो प्रधानमंत्री साहब खुद साक्षात बैठे हैं, यहाँ पर शाह साहब होम मिनिस्टर के नाम पर साक्षात बैठे हैं, पूरी यहाँ पर इन्होंने 5-6 मुख्यमंत्री लगाए, सारे अपने सांसद लगाए, इतना इन्होंने अब ये साबित कर दिया कि 150 से ज़्यादा ऐसे माहौल में कि जब लोग महंगाई से तरसते हैं, जब लोग बेरोजगारी से तरसते हैं, जब पूरे देश में व्यवस्था फैली है, जब देश में तमाम माहौल खराब है, लोग तकलीफ में, SC ST के रिजर्वेशन खतरे में है, SC ST के संविधान खतरे में है, और SC ST के जो बजट हैं वो खतरे में है, और एट्रोसिटीज़ लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में हमारे दलित भाई क्या उनका दिमाग नहीं काम करेगा कि वो BJP को भी वोट डाल देंगे? भाई उसमें हमारा भी तो वोट होगा ना। तो इसका मतलब ये कि इन्होंने खास तौर पर साफ साफ बेईमानी की है। छोटू भाई वसावा जी गुजरात में जो बड़े आदिवासी नेता हैं, 40 वर्षों से वहाँ पर कांग्रेस की बड़ी बड़ी नेताओं की हवा चलने से लेकर के ये BJP की बड़ी बड़ी हवा चली, लेकिन उस छोटू भाई वसावा को उनका वोट बैंक नहीं हिला पाए। तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि वहाँ भी फर्क पड़ गया? तो ये बिल्कुल बेईमानी से जीते हैं, ऐसा कोई हवा नहीं थी। और ये तमाम ये ऐसे वहाँ की खबरें आ रही हैं, वहाँ के लोग संपर्क कर रहे हैं हमसे, हम भी जाएंगे वहाँ पर आंदोलन होना है, ये बिल्कुल बेईमानी है। नहीं, उनके लोकल लीडरशिप तो लड़ रही थी, प्रियंका गांधी भी गए थे, एक आध राहुल गांधी ने भी एक आध वहाँ पर रैली की है, ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस की वहाँ लोकल लीडरशिप की जिम्मेदारी है, वो लड़ रही थी, और जो उनके बड़े लीडरशिप ने मदद करनी चाहिए थी करी थी, मगर कांग्रेस का इतना बुरा हाल होगा? 14-15-16 सीटें उनके पास आएंगी, इतनी बुरी हालत तो नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, केजरीवाल जी आ रहे हैं, केजरीवाल को भी इतनी बुरी हालत तो नहीं होनी चाहिए थी, कम से कम 10-15-20 सीटें तो उसको भी मिलनी चाहिए थी, और कांग्रेस को कम से कम 60-65 सीटें आनी चाहिए थी अगर सरकार भी नहीं बनती। ये तो एक तरफा इन्होंने ऐसे मशीनें सेट कर ली, शायद इनसे भी गलती हो गई कि सारा वोट ही एक तरफ चला गया। नहीं, वो दिख रहा है, वो पूरा SSP वहाँ पर खड़ा होकर कह रहा है कि जबकि ये कानून है कि किसी आदमी का वोटर कार्ड नहीं है और वोटर लिस्ट में नाम है तो अपने वो पैन कार्ड से या आधार कार्ड से या अपने ड्राइविंग लाइसेंस से या राशन कार्ड से, यहाँ तक कि बैंक की पासबुक से भी वो दिखा करके और वो वहाँ पर वोट डाल सकता है, और वो कह रहा है वोटर कार्ड लेकर के जाओ, धक्के मार करके निकाल रहा है। तो पूरी चीटिंग है, बेईमानी है, ये पूरे खुल के बेईमानी पे उतर आए। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ SC ST के अपना राजनीतिक दखल पैदा करना होगा, SC ST को इन मनुवादी पार्टियों से अलग हटके लड़ना पड़ेगा। देखो इन्होंने बांट लिया,
तीनों मनुवादी पार्टियों ने इन्होंने इस तरह सेटिंग करी कि बड़ा भाई, छोटा भाई, मझला भाई, तीनों ने एक एक राज्य ले लिया। छोटे भाई को छोटा एमसीडी दे दिया दिल्ली का, अरविंद केजरीवाल को मनुवादियों ने अपने छोटे भाई को, और जो बड़ा भाई है उसको, जो कि बुड्ढा हो चुका उसको छोटा, उससे बड़ा राज्य दे दिया हिमाचल, और मेन राज्य इन्होंने मनुवादियों ने अपने पास रख लिया गुजरात। ऐसा चुनाव बताया जा रहा है कि तीनों जो पार्टीज हैं बड़ी खुश हैं, तीनों अपने अपने स्तर पर जीती हैं, हिमाचल वो जीत गए और गुजरात बीजेपी जीत गई, एमसीडी में केजरीवाल जी आ गए। बिल्कुल, देखो दोनों तीनों पार्टियों का, तीनों पार्टियां दो दो राज्य हारी हैं और एक एक राज्य जीती हैं। तीनों मनुवादी भाई हैं, तीनों तिलक, तराजू और तलवार, जो खतरा मान्यवर कांसीराम जी ने शुरू किया था 85-15 की लड़ाई, अब वो 15% हमें गुमराह करके और वो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमारे लोगों को, हमारे नेताओं को। और दिल्ली में मुझे इस बात का, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, उन तक पहुँचनी चाहिए खबर हमारे नेताओं की, जो मान्यवर कांसीराम जी की पैदाइश हैं, जो मान्यवर कांसीराम जी द्वारा बनाई गई बीएसपी से आज बढ़ चढ़ के वो अधिकारी हैं, सब कुछ हैं, बाबा साहब के उसकी देन की वजह से आज पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने एंजॉय किया है, और वो आज लाला को नेता मान करके, जय भीम नमो बुद्धाय बोल के लाला को नेता मान रहे हैं, लाला के खेमे में खड़े हैं और लाला को वोट डाल रहे हैं। वो अपने इस मिशन से, बाबा साहब और कांसीराम के मिशन से धोखा कर रहे हैं, अपने समाज से छल कर रहे हैं। अभी भी मौका है, 2024 से पहले पहले अपनी अपनी पार्टी में जहाँ थे वापस आ जाओ, बीएसपी में वापस लौटाओ जहाँ पर थे। हमारा 14% वोट था दिल्ली में, वो बढ़ सकता था, वो घट के आज इस बार थोड़ा बड़ा 1.65% हुआ है, जो कि 0.67% रह गया था। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने समाज से और अपने मिशन से धोखा कर रहे हैं। आप वापस आ जाओ भाई, यहाँ बनो नेता, बहन जी नहीं बनेगी पूरे देश में, आप यहाँ दिल्ली की कमान संभालो, आकर के बीएसपी को संभालो, मैं बार बार कह रहा हूँ। अरे राष्ट्रीय नेता है आप, दिल्ली संभाल लो ना भाई, दिल्ली के मेयर बन जाओ ना, बहन जी थोड़ी बन रही है, भतीजा थोड़ी बन रहा है, आप कैसी बातें कर रहे हो यार, पूरे देश में थोड़ी आएंगी। चलो सपोज कल को प्रधानमंत्री बनते हैं तो बहन जी प्रधानमंत्री तो बनेगी या तुम बनोगे, पूरे 36 राज्य हैं एनसीटीओ को लगा के, 7 NCT और 29 राज्यों को लगा करके, तो पूरे राज्यों में अलग अलग हो जाओ, कहाँ चलेगा, कौन सा भाई भतीजा, जब तुम छोड़ छोड़ के भाग जाओगे तो भाई किसी भतीजे को जो इंटरेस्ट है, वो भी इस देश का नागरिक है, वो भी अनुसूचित जाति है, वो भी दलित है, अगर वो आना चाहता है एक्टिव राजनीति में तो क्या पता गई। आपको ये तो दिखाई दे रहा है लेकिन आपको बीजेपी के भाई भतीजेबाद नहीं दिख रहे, आपको इन मनुवादियों के भाई भतीजेबाद नहीं। एक ने ले लिया, बड़े भाई ने हिमाचल ले लिया, छोटे को उसने दिल्ली दे दिया एमसीडी, और तीसरे मझले भाई ने वो ले लिया गुजरात ले लिया। एमसीडी में 200 से ज़्यादा प्रत्याशी, आपको शायद पता नहीं है, 210 प्रत्याशी बीएसपी के लड़े हैं, आपको यही नहीं पता कितने प्रत्याशी लड़े हैं। देखिए आप देखिए, 200 से ऊपर 210 हैं और 211 मेरे ख्याल से ज़्यादा हैं, 211 हैं, 200 प्रत्याशी बीएसपी के लड़े हैं, जबकि वो एक्टिव नहीं है यहाँ की लीडरशिप। अगर एक्टिव होती तो 250 से ज़्यादा होते, और यहाँ पर 2008 में यहीं पर इसी दिल्ली के अंदर 19 यहाँ पर पार्षद बने थे, आपको पता है, और 14% से ज़्यादा वोट हो गया था। अगर यहाँ की लीडरशिप लोकल, हर बात पे आप बहन जी को एलिगेशन लगा देते हो, हर बात पे उनके भतीजे को एलिगेशन लगा देते हो, भाई जब आप भाग जाओगे तो वो तो संभालेंगे भाई, अब दिल्ली संभालो। दिल्ली में क्या कह रहा है आकाश आनंद आपको, दिल्ली में क्या कह रहा है, दिल्ली की लीडरशिप को क्या कह रहा है, किसी अध्यक्ष को आके बोल रहा तू काम मत कर, किसी दूसरे लीडर को कह रहा है कि आप काम मत करो। ये तो लोकल लीडरशिप को समझना है कि डे टू डे यहाँ 70% वोट हमारा है, और आप हमारे घर में बैठे हैं बीएसपी के नेता दिल्ली के, क्यों बैठे हैं घर में, क्यों नहीं थे प्रत्याशी। और रामपुर में एक छोटा उपचुनाव है, देखिए नहीं नहीं उपचुनाव है, बहुत सारी सीटें इसलिए लड़ी जाती क्योंकि 2024 की तैयारी होनी है। एक छोटी सी चूक, अगर यहाँ पर बीएसपी का कैंडिडेट हार जाता उपचुनाव में, एक साल के लिए उपचुनाव है, अगर इसमें हार जाता तो उसका गलत मैसेज जाता, 2024 की तैयारी बड़ी लड़ाई है। नहीं नहीं देखिए सवाल ये नहीं है, एक सीट के लिए हम अपनी उस लड़ाई को नहीं ख़त्म करेंगे, कम नहीं करेंगे। बीएसपी की लीडरशिप जो सोच समझ के काम कर रही है, 2024 की बड़ी लड़ाई है, 80 सीटों की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में, और 80 सीट पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। काम कहाँ कर रही है बीएसपी की लीडरशिप, नहीं कर रही है, देखो उनका परंपरागत तरीके से वही होता है, और वो अपना कैडर शुरू कर दिया उन्होंने, अपनी जो सक्रिय लीडरशिप है उसके उन्होंने मीटिंग करनी शुरू कर दी है उत्तर प्रदेश में। बहन जी हिमाचल भी गई, बहन जी गुजरात भी गई, इसका मतलब है कि बहन जी एक्टिव हो रही है, और बहन जी भी एक्टिव थी, लेकिन क्या है कि हर स्टेट में वो अकेले नहीं जाएगी, सबके पास नहीं जाएगी। अब लीडर क्या होता है, ये कब कब बुलाते हैं राहुल गांधी को,
जब पूरा चुनाव का हो जाता है, मोदी कब जाता है? मोदी रोज जाता है क्या? मोदी जब जाता है कि जब वहाँ पर चुनाव की विसात बीत चुकी होती है, तमाम कार्यकर्ता तैयारी कर चुके होते हैं, तो वैसे ही बहन जी भी आएगी। बहन जी अगर आप सोचो कि रोज़ तुम्हारे घर दिल्ली आके बैठ जाए, रोज़ ऑफिस में या लोकल ऑफिस में बैठ करके उनको अध्यक्षों को कह काम करो, जब भी करोगे भाई वैसे नहीं करोगे। वो पूरे देश में घूमेगी, वो महाराष्ट्र भी जाएगी, वो हिमाचल भी जाएगी, वो राजस्थान भी जाएगी, मतलब क्या मूर्खता वाली बात है, वो साउथ इंडिया में भी जाएगी। मोदी जी भी तो जाते हैं ना जगह जगह पे। वो तब जाते हैं जब उनकी लीडरशिप बुलाती है, तुम्हारी लीडरशिप बुलाती है, वो तो ऑफिस में बैठे। मैं आपसे अपील करूंगा, आप जाओ उनके ऑफिसों में, दिल्ली के ऑफिस में जाओ, भाई तुम क्या कर रहे हो? बहन जी को तुमने बुलाया क्या? जब तुम चार आदमी नहीं जमा कर रहे, जब तुम कोई इवेंट नहीं कर रहे, तो बहन जी आकाश आनंद कैसे आएंगे भाई? और यहीं पर जब कांसी राम जी का जब जन्म यहाँ अभी जन्मदिन गया है, तो उस समय आए थे ना आकाश आनंद दिल्ली में, पदयात्रा की कि नहीं की? अरे बुलाओ ना उनको, लीडरशिप कह रही है बुलाओ, तुम बुला ही नहीं रहे, तो आके सड़क पे बैठ जाए, अकेले आके खड़े हो जाए, कैसी बातें हैं, अजीब बात है। कहा कि अब बहन जी एक्टिव हो रही हैं, यानी आप मानते हैं कि पहले एक्टिव नहीं थी, पहले एक्टिव होना चाहिए नहीं, था ना? चुनाव के लिए एक्टिव हो रही हैं, सब लुट गया है तब एक्टिव हो नहीं, रही हैं। नहीं नहीं, पहले भी एक्टिव थी, लेकिन अब दोबारा से चुनाव के लिए 2024 की तैयारी के लिए अभी से 16 महीने हैं, वो फिर से दोबारा से एक्टिव 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए चुनौती पेश करने के लिए अपने पूरी पार्टी सिस्टम को यूपी में बिल्कुल एक्टिव कर रही हैं। और वो उनका हिमाचल में रैली करने का मतलब यही था, उनका गुजरात में रैली करने का चुनाव में यही मतलब था, मैसेज देना कि हमारे और आकाश आनंद जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने अभी एक महीने पहले जो माननीय कांसीराम जी का जो इवेंट हुआ था उसमें उन्होंने पदयात्रा की पूरी, नौजवानों के साथ लेके उत्साह पैदा करने की कोशिश की, मगर जब दिल्ली की जो लीडरशिप निकम्मी नाकारी है, जो कि अपने बल पे कुछ नहीं कर रहा है, इनको राष्ट्रीय नेता आए इनके यहाँ पर ऑफिसों में, इनके साथ बैठ के उंगली पकड़ के तब इनको ले जाएं, तब ये काम करेंगे। देखिए मैं तो कहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ, कहता नहीं हूँ, चाहता भी हूँ, और ये मेरी विश भी है, और मेरा वो ये सपना भी है, क्योंकि भारत के संविधान को बचाना है तो बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। सिर्फ बहन, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं, कल आपने शायद इंटरव्यू नहीं सुना, इनका खड़गे साहब का कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कल आज तक के ऊपर इंटरव्यू आपने सुना नहीं है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम लाइक माइंडेड दलों को, मतलब तीसरा मोर्चा बना करके हम मैदान में लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ नहीं है, जाहिर सी बात है बहन मायावती जी को साथ रखेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, पूरे तमाम उसको उन्होंने कल खुली उस पर कह दिया है। तो 100 सीटों के बराबर कांग्रेस लाएगी, 50 सीटें उत्तर प्रदेश में बहन जी लिया है, 20 से 25 सीटें तमिलनाडु में, 17 से 18 सीटें स्टालिन लिया है, और यहाँ पर शिवसेना हो गया महाराष्ट्र में, वहाँ पर वहाँ बंगाल में वो ममता बनर्जी हो गई, ये तमाम लोग खड़े होकर के ये सरकार बनाएंगे और बहन मायावती जी प्रधानमंत्री बनेंगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। नहीं, वो तो सीटों पे होगा ना, अगर सीटें उनकी ज़्यादा आएंगी तो बन जाएँ। बहन जी के पास 80 सीटें हैं और हम सब मिलकर के अगर 50 जिता देते हैं तो बहन जी की दावेदारी पहली होगी, और बहन जी जब प्रधानमंत्री बनेंगी तो हमारे संविधान को बचाएंगी। देखो मुझे संविधान बचाना है और मुझे सिर्फ एक ही दिख रही है, नहीं ब्राह्मण हो लेकिन वो वैचारिक रूप से आपके साथ आएगी, वो उनके साथ नहीं जाएगी, वो महिला भी है, नारी भी है, ढोल गवार शुद्र पशु नारी सब हैं, सकल ताड़ना के अधिकारीन मनुवादियों के रूप में वो इनके साथ नहीं जाएगी, महिला है, नारी है, और बाबा साहब का जो सिद्धांत है ढोल गवार शुद्र पशु नारी सब हैं मानवीय और संवैधानिक अधिकारों के अधिकारी, तो बाबा साहब के साथ जाएगी, क्योंकि उस बाबा साहब के संविधान की वजह से ही एक नारी आज मुख्यमंत्री है, एक नारी इस देश की प्रधानमंत्री बनी, और तमाम नारियां आज पायलट बन रही हैं, फाइटर जेट उड़ा रही हैं, फौज में जा रही हैं, नौकरियों में जा रही हैं, बिकॉज ऑफ बाबा साहेब, इस संविधान की बदौलत। तो उसको संविधान बचाना है, वो पैदा ब्राह्मण परिवार में हुई लेकिन वो जनेऊधारी नहीं है, वो नारी है और मनुवादियों में ताड़न का अधिकारी है और संविधान के उसमें राज करने के अधिकारी हैं, तो फैसला उनको करना है।